मैरी क्रिसमस नहीं आज गाइस, आज तो है 23 जनवरी 2024। हैप्पी दिवाली एवरीवन। यस, आज हम लोग आज दिवाली मना सकते हैं क्योंकि पिछले दिन अयोध्या के अंदर राम मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है। भाई इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकते हैं। बाय द वे तुम लोगों को मैं बता दूं भाई, शिमला में ठंड का माहौल है, इसीलिए मैं दोबारा से अपने हैरी पॉटर के कपड़ों को पहन के आ चुका हूँ। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइस, शिमला में बर्फ नहीं गिर रही है भाई। 23 जनवरी हो चुका है पर बर्फ के नाम पर यहाँ पर भाई एक ओला भी नहीं पड़ा है भाई। एक ओला था ना छोटा सा, वो भी नहीं गिरा अभी तक। काफी दुख वाली बात है, बट क्या कर सकते गाइस, नेचर के सामने तो भाई हम लोग कुछ कर नहीं सकते ना। खैर आज मैं गाइस तुम लोगों के लिए बहुत ही मस्त चीज लेकर आया हूँ। ये जो तुम लोगों का इस वर्ल्ड दिख रहा है बहुत ही ज्यादा मैजिकल वर्ल्ड है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर हम लोग कोई भी दो चीजों को कंबाइन करके एक तीसरी चीज बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। एंड अगर तुम लोग इस लाइक मारोगे ना तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर 1 लाख लाइक इस वीडियो पे आएंगे तो मुझे लगता है कि इंद्रदेव जी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और शिमला में भाई बर्फ गिरा देंगे। यार प्लीज गाइस लाइक मारो यार, 1 लाख लाइक यार कर दो भाई, लेट्स गो। एंड बाय द वे गाइस, वो दो चीजें कुछ भी हो सकती है जिनको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। यकीन नहीं हुआ, रुको। सबसे पहले मुझे वो टूल बनाना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम लोग ये करिश्मा कर सकते हैं दो चीजों को एक साथ जोड़ने का। मुझे दोबारा से एक बार नीचे जाना पड़ेगा इसके लिए। एंड बाय द वे, ये सारी की सारी चीजें मैं ऑलरेडी बना के रखी है यहाँ पर गाइस, क्योंकि ये सब टूल्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और टाइम वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली में यार। ओये, मुझे गाइस यहाँ पे आयरन की जरूरत थी एक्चुअल में। एंड इस आयरन को निकाल कर डायरेक्ट ऊपर चलते हैं और यहाँ पर गाइस दो आयरन के इंगट्स आए, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। हमें बनानी है बस स्मिथिंग टेबल। स्मिथिंग टेबल के अंदर हम लोग कोई भी दो आइटम्स को कंबाइन कर सकते हैं, तुम लोगों को पता है गाइस। आ जाओ, जब तक हमारा बाकी का आयरन यहां पर आ रहा है, हम लोग चलते हैं रैंडमली इस ओशन के अंदर कुछ चीज ढूंढने के लिए, जो भी चीज मुझे मिल सकती है यहां पर भाई। ठीक है, आ जाओ। ओ भैया, हमें कुछ मिलेगा क्या यहां पे? ओ मुंह के सामने देखो गाइस, एक बहुत क्यूट सी पफर फिश। मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया है, अगर मैं इस चीज को बना पाया तो भाई मजे ही आ जाएंगे। आजा, मेरे से लड़ेगा तू मेरा पफर फिशू। तो गाइस पफर फिश के साथ देखो ऐसा है, मेरा बहुत ही ज्यादा खुराफाती दिमाग है गाइस, हद से भी ज्यादा खुराफाती दिमाग है मेरा। तो ये चीज अगर काम कर गई तो भैया बेस्ट हो जाएगा। तो देखो शील्ड तो तुम लोगों ने देखी होगी भाई, हम लोग हमेशा बनाते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इस शील्ड के साथ अगर मैं इस पफर फिश को कंबाइन करूं तो क्या बनेगा? नो वे डूड, पफर फिश शील्ड। होली शिट डूड, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? मैं तुम लोग को बता रहा हूँ भाई, आज हम लोग बहुत मजा करने वाले। आ जाओ, इसको एक बारी हाथ से पकड़ते हैं। और वो कहाँ गया बदसूरत? बदसूरत जी वेयर आर यू? तू मेरे से लड़ना चाहता था? आ जाओ गाइस, देखते हैं एक बारी जरा कि क्या बंदा मेरे से लड़ सकता है। पफर फिश का एक फटका खाएगा, क्या होगा देखे जरा एक बारी। ओ माई गॉड, ये मर रहा है, ये एक्चुअली मर रहा है, इसको पॉइजन का इफेक्ट लगा हुआ है। आ जा मुझे और मार मुझे। आ जा भाई, मैंने इसको टच भी नहीं किया, बाई गॉड की कसम एक ही बार में मर गया बंदा। ब्रो दिस इज सो ओवर पावर्ड यार। बट गाइस इस पफर फिश शील्ड को ना मैं एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक बार टेस्ट करना चाहता हूँ। ये एक ऐसी चीज है जो मैंने आज तक अभी देखी नहीं भाई इस गेम के अंदर। हिमलैंड्स की वजह से गाइस मैं ऑलमोस्ट सब कुछ इस गेम के अंदर देख चुका हूँ, बट ये चीज आज तक नहीं देखी है। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, रात का टाइम यहाँ पे आ चुका है, थोड़ी पेट पूजा करते हैं और उसका इंतजार करते हैं जिसका मैं यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहा। ब्रो अगर ये चीज पॉसिबल हो गई ना, मेरे को मजा आ जाएगा सच्ची में। एंड जब तक गाइस मैं यहाँ पे उसका इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव अ प्लान, ठीक है। आज हम लोग बहुत ही वियर्ड वियर्ड चीजों को कंबाइन करने वाले हैं, जितनी भी वियर्ड चीजों को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है ना भैया। आ जाओ एक काम करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी सैंड निकालता हूँ मैं, एंड सैंड को मैं यहाँ पे डालता हूँ स्मेल्टिंग करने के लिए तब तक के लिए भाई, ठीक है। ये जब तक स्मेल्ट हो रहा है इसको निकालते हैं और उस चीज का हम लोग इंतजार करते हैं। एंड देखते ही देखते गाइस दो आ चुके हैं। ओके, मैंने आज तक कभी भी गाइस किसी एंडरमैन को ना ऐसे पॉइजन वाले इफेक्ट के साथ देखा नहीं है, तो इसकी मैं आंखों में देखूंगा, देख ले भाई बदसूरत। हाँ अभी फिलहाल को जब तक मैं आई कॉन्टेक्ट रखूंगा ये कुछ नहीं कर पाएगा, एक फटका तो मैं तेरे को मारू। ए भाग्या, ओके राइट क्लिक कर। ओके देखते लगता है ब्रो इसको इफेक्ट लग चुका है पॉइजन का। आर यू सीरियस? जुड़े मुझे मार भी सकता, पर ध्यान देना पड़ेगा ना, बस ध्यान देना पड़ेगा, मुझे मारिए मत ब्रो, इसको एक्चुअली पॉइजन का इफेक्ट लगा हुआ है। ओ माय गॉड दिस इज सो ओवर पावर्ड यार। ओके ये मैंने जिंदगी में पहली बार देखा, मुझे मार देगा। मुझे पानी के भी जाना पड़ेगा एक बारी, पहले मैं खाना खाऊंगा एक बारी। लेट्स गो, ये मर गया एक्चुअल में। ओ माय, रुको आजा, तू भी आ, थोड़ा सा मैं एक बार पी जाऊंगा, पहले आई वॉन्ट टू फुलफिल माई टमी। ओके आजा, पहले मैं इसको टच करने दूंगा अपने आप को। आज मेरे में इतने मारेगा मेरे को तू, मार मेरे को, आजा मार मेरे को, आजा मार मेरे को, मार मेरे को, मार मेरे को, आजा आजा आजा, टच कर आजा। और ये इसको भी गाइस लग चुका है, यहाँ पे सिस्टम हो चुका है इसका भी। ओके इसको मैं मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ एक बारी, बस एक बार गायब हो जाए, शाबाश। थोड़ा मैं खाना खाऊंगा एंड देन मैं वापस आऊंगा
एंड देन मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाऊंगा. ब्रो यू आर गोना डाई माय ब्रदर. ब्रो पॉइजन से मैंने, अगर तुम लोग फर्स्ट टाइम पे ये चीज देखी है ना, किसी एंडरमैन को पॉइजन से मरता है, उसको भी पॉइजन लगे गलती से. सो सॉरी यार, सो सॉरी भाई. ये बिजली की करंट की तरह, जो मुझे टच करेगा उसको भाई ये करंट लगने वाला है. आई थिंक वो ऑलरेडी मर भी चुका है. ओ माय गॉड ब्रो, दैट वाज सो नास्टी. नहीं 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 सर जी, ऐसा नहीं करने का, मुझे चाहिए मेरे हाथ पे वापस. एंड अभी मैं आपको मारने वाला हूं. निकल पकौड़े ऐसी की तसी तेरी. ओके गाइस, ये वाली शील्ड हमारी बेस्ट है, बेस्ट एंड बेस्ट शील्ड है हमारी. ऑल राइट गाइस, मुझे ने यहां से नीचे एक बहुत ही तगड़े वाली गुफा मिली. एंड बाय द वे, मैंने यहां पर गाइस इनफिनिट नाइट विजन लिया हुआ है. ये मुझे फलाना जी ने क्या बोलते परमिशन दी है ताकि मैं वीडियो अच्छी शूट कर पाऊं. अंधेरे में ना तुम लोगों को कुछ दिखेगा नहीं, तो मुझे भी मजा नहीं आएगा, अगर तुम लोगों को मजा नहीं आएगा इस वीडियो से. तो यू नो वी हैव टू डू दिस. एंड चलो भाई एक काम करते गाइस, यहां से हम लोग धीरे धीरे करके अंदर जाएंगे बिना फॉल डैमेज के, प्रोग्री की तरह. एंड अभी यहां से नीचे जाकर भाई साहब मैं एक बहुत ही मस्त चीज बनाने वाला. ना 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 भाई जी, यू कैन नॉट टच मी. आजा ले मार खुद ही, जितना तू मुझे मारेगा तेरी तेरे तू खुद मरेगा भाई, मेरी गलती नहीं. आजा आजा मेरे बेटे, तुझे मुझे टच करने की जरूरत ही नहीं है भाई. देख रहे तुम लोग गाइस, ये जो शील्ड है हमारी कितनी ज्यादा ओवर. ओ मेरे दिमाग में आइडिया आया, मेरे दिमाग में आइडिया आया भाई. ओ शिट डूड, दिस कांट बी पॉसिबल, बट दिस कांट बी पॉसिबल. अगर ये चीज पॉसिबल हो गई ना, क्योंकि गाइस कॉपर वाले से तुम लोगों को पता होगा हम लोग वो लाइटनिंग वो बनाते हैं ना, तो कॉपर से क्या हम लोग. ओह माय गॉड, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, अगर वो पॉसिबल हो गया तो ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड हो जाएगा. क्या मैं ग्लास बॉटल के साथ लाइटनिंग इन अ बॉटल. ओह माय गॉड, वेट व्हाट, दिस इज टू ओवर पावर्ड यार. ओके वेट अ सेकंड गाइस, वेट अ सेकंड, आई हैव टू डू दिस. ओके बहुत सारी ग्लास बॉटल्स निकाल, इन सबको अंदर डाल. एंड टोटल कितने आएंगे, 7 लाइटनिंग बोल्ट. ओके लेट्स डू वन थिंग गाइस, यहां पर ना बहुत सारा कॉपर है, किसी ने मेरा दिमाग खराब किया भाई. सर्वाइवल में लाइटनिंग गिरा दूंगा उसके मुंह के ऊपर. ओके बहुत सारा कॉपर लेके चलते हैं, क्योंकि ऊपर सैंड इतना ज्यादा है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग अपने अपने हाथ में लेके घूम सकते हैं फिर, है ना. ब्रो ये क्या धमाके हुए थे भाई साहब, रियली विश कि कोई मेरे साथ यहाँ पे पंगे ना ले भाई, मैं उसकी पूरी दुनिया हिला दूंगा भाई, पूरी दुनिया हिला दूंगा मैं उसकी. आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन, खत्म कर दूंगा उसको मैं पूरे खानदान को. आ जाओ मेरे पास कितना आ चुका, 35 रॉक कॉपर ब्रो. ओह माय गॉड, मजा आएगा भाई, मजा आएगा मेरे बेटे. ओके नीचे एक और वो है, इसको भी देखूंगा भाई. देखिए यार मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत सारा मजा आ रहा है करने में यार. आजा मेरे बेटे, मेरे को मारेगा तू मेरे बेटे. एक सेकंड मर गया भाई. हे भगवान, किसी काम का नहीं था भाई ये. चलो गाइस थोड़ा बहुत मैं आयरन निकालता हूँ, खुद को अपग्रेड करते हैं, बिकॉज अभी बहुत सारी चीजें जो मुझे कंबाइन करने भाई, मैं बहुत ही वियर्ड वियर्ड कॉम्बिनेशन डालने वाला हूँ आज. लेट्स सी कि क्या क्या चीजें बनती है यहाँ पर यार. 10 seconds later. जे हुड़ तू ही बदल गया मैं ते मर. ए, तुम लोगों ने कुछ नहीं सुना ठीक है, ये मैं ऐसे गाने गा रहा था जस्ट. कोई इसकी रील नहीं बनाएगा, कोई इसको इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर नहीं करेगा, ना मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर टैग करेगा ठीक है गाइस, कोई नहीं करेगा. ये मैं पार्ट टाइम में ऐसे गाने गाता रहता हूँ बहुत ही बेकार आवाज में. ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग आ चुके हैं और भी ज्यादा गहरी जगह पे. एंड थोड़ा बहुत आयरन यहाँ से मैं और निकालने वाला हूँ ठीक है भाई, क्योंकि जितना ज्यादा आयरन मिल सकता है उतना ही ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है. एंड गाइस ये वाली बहुत बड़ी गुफा के अंदर हम लोग आ चुके हैं. एंड यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है भाई. नहीं 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 नहीं. तुम लोग हमें टच करोगे तुम लोग मरोगे भाई, मेरी गलती नहीं है इसमें ठीक है भाई. ओ इसके इलाके में भी कोई आएगा तो उसको भी कीड़ा लगने वाला, इसको लगा हुआ है कीड़ा ऑलरेडी भाई. दिस इज टू ओवर पावर्ड, मेरी एक शील्ड है जिसने आज मेरा दिल खुश करके रखा हुआ है, माँ कसम है. ओके ओके डूड्स, ये वाला जो स्केलेटन है ना ये मेरा दिमाग खराब करने वाला बाय द वे. तू खुद मरेगा बेटा अभी ऐसी टेंशन मत ले तू. आ जाओ. ए मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं पागल हूँ, एक नंबर का पागल आदमी हूँ भाई. ओ अगर क्रीपर फटेगा तो यहाँ पर एक बहुत ही तगड़े वाला ये बन जाएगा. ए मुझे भी लग गया. नहीं, मुझे क्यों लगा भाई, ये गलत बात है यार, मुझे क्यों लगा. 2 seconds और विदर इफेक्ट. ओ माय गॉड, दिस शील्ड इज टू ओवर पावर्ड भाई, मैं खुद मर सकता था अभी यहाँ पे भाई साहब, ऐसा तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था. एंड बाय द वे गाइस चेक दिस आउट, यहाँ पे धमाका हुआ, डायमंड मिल गया मेरे को डायमंड मिला. लेट्स गो, खाना खा लेता एक बारी. एंड इसके बाद अगर किसने बकवास करी ना भाई, उसके मुंह पे फोड़ दूंगा इसको मैं. इनफैक्ट गाइस चेक दिस आउट, मैं ऊपर गया था और मैंने अपने लिए बहुत सारे ये लाए हुए ग्लासेस यहाँ पे ठीक है ना भाई. तो हम लोग यहाँ पर अभी बहुत कुछ बनाने वाले हैं, ये रखो यहाँ पे ठीक है. 28 ग्लास के बॉटल्स स्मिथिंग टेबल के साथ अंदर डालकर ओवरऑल कितने बनने वाले हैं, लेट मी चेक. ओ माय गॉड, आई हैव 35 लाइटनिंग बोल्ट्स ब्रो, सो ओवर पावर्ड यार. किसी की हिम्मत होगी क्या मेरे साथ पंगे लड़ने की. अभी तू आजा, तू लेगा पंगे, ले तू गया मेरे हाथ से बेटा समझा. ब्रो
एक चीज दिखाऊं, अभी तुम लोग का एक और देखा, राइट क्लिक करते ये चल के जाता आगे और वहां पे लाइटिंग करेगा। टू मच गुड यार, टू मच गुड। ये क्या मजाक है भैया। साइड से मार रहा है मेरे को तेरी पकौड़े ऐसी की तैसी यार। और ये बंदा मेरे मुंह पे आने की कोशिश कर रहा है, तेरे को तो मैं बिजली से ही मार दूंगा, समझा? बक ओ गाइस, मुझे यहाँ पे एक एरो मिला और एक दो एरोज मेरे पास। गाइस वेट, ओ लेट मी चेक दिस गाइस, अगर तो ये चीज काम कर गई ना, ओ माय गॉड, दिस इज गोइंग टू बी एपिक। ओके गाइस, यहाँ पे मैं दो बकेट्स बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। एक बकेट में तो अपन भरेंगे वाटर को, क्योंकि वाटर बकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरे वाले में तुम लोग देखना चाहोगे मैं क्या भरने वाला हूँ। डू यू गाइस वांट टू सी, लेट मी चेक। ओके, मैंने गलती से पर्ल मार दी, पागल हूँ भाई मैं। ओके गाइस, क्या मैं वाटर बकेट और एरो को कंबाइन कर एरो ऑफ बकेट बना सकता हूँ मैं ब्रो? This means I have infinite arrows. मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बस मकड़ियों को मारकर एक बो बनानी है। Oh my God. Okay, this is good. मेरे पास infinite arrows भी आ चुके हैं। And guys, I think मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। मुझे guys कुछ यहाँ पे ना फटाफट एक काम करते हैं, सामान निकालते हैं। यहाँ पे कुछ लैपिस लजूली वगैरह मिले। ए नहीं 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 नहीं, छोटू वाला नहीं, छोटू वाला नहीं, छोटू वाला नहीं, छोटू वाला नहीं। अच्छा खुद मरेंगे, टेंशन वाली बात थी है। खुद मरेंगे भाई। ए पीछे कोई तो और मछली मर रही है भाई, पीछे कोई मछली मर गई भाई, उसका दुख हो रहा है मेरे को। इन लोगों ने बहुत दिमाग खराब किया है मेरा, कसम से। हाँ तो मैं बोल रहा था गाइस, यहाँ पर कुछ लैपिस लजूली वगैरह मिला है, तो इसको लेके चलते बाहर यहाँ से। ओ माई गॉड गाइस, ओके थैंक गॉड कि मैं यहाँ पर रुका हुआ था। मुझे कुछ डायमंड्स वगैरह मिले, इन डायमंड्स को निकाल के मैं सीधा ऊपर जाने वाला हूँ, ठीक है ना। एंड ओ एक और मिल जा। यस लेट्स गो, पूरे 5 डायमंड मिले मेरे को भाई साहब, दिस इज सो गुड यार। थोड़ा बहुत आयरन भी निकाल के चलते हैं। चलो भाई यहाँ से ऊपर चलते एक बार। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग फाइनली इस गुफा के अंदर से तो बाहर आ चुके हैं। एंड अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं सोचना पड़ेगा भाई। कुछ नहीं कर सकते भाई, थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन वगैरह करते हैं ना। इनफैक्ट मेरे पास एक आइडिया है, मुझे यहाँ पे फिर से रात होने का वेट करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू टेस्ट समथिंग, मैं कुछ तो बनाना चाहता हूँ अभी एक बार। लेट्स गो, फाइनली आई फाउंड यू माय मकड़ी मैन। चल पकौड़े मेरे को मारेगा तू, है पकौड़े ऐसी की तैसी। एंड थोड़ा बहुत गाइस खाने का सामान भी मैं ढूंढ रहा हूँ, बाय द वे। नो, बिल्कुल नहीं मेरे मकड़ू। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, अभी देखो तुम लोग यहाँ पर क्या करता हूँ मैं। तो मेरे को ना भाई बस यहाँ पर कुछ नहीं करना था, एक बनाना था बो। ओके, एक अगर मेरा बो बन जाएगा तो क्या मैं एक्चुअली में कर सकता गाइस? देखो मैं इसको फेंकने वाला हूं नीचे, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मैंने एरोस फेंके, बकेट ऑफ एरो बन गए। व्हाट, नो वे डूड, इसको फेंक एक बारी। ये क्या मजाक हुआ, ओए गायब हो गया। ओ ये इनफाइनाइट है, ये मेरी इन्वेंटरी से कभी छूट ही नहीं सकता। आर यू सीरियस डूड, मेरे को इतना भी नहीं चाहिए था, इसको फेंकना पड़ेगा मेरे को, और इसको मेरे ऊपर डालना था। एंड क्या, अभी देखो गाइस 3 एरोज इनको फेंक देता हूं मैं। ओ माय गॉड, आई कैन स्टिल शूट देम। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, आई कैन स्टिल शूट देम, इनफाइनाइटली मैं इनको शूट कर सकता हूं। चेक दिस आउट, गया मेरे बेटे तू गया मेरे बेटे। ओ माय गॉड, वेट अ सेकंड, क्या मैं इसको उठा भी सकता हूं क्या? देखो एक, तीनों के तीनों एरो खत्म हो गए, और ये लोग यहां पे ब्रो, और मैं इनको उठा भी सकता, 10 एरो बन चुके हैं ब्रो। दिस इज टू ओवरपावर्ड यार, आई मीन इससे ज्यादा हम और क्या ही मांग सकते हैं भैया, इनफाइनाइट हो चुका है हमारे पास सिस्टम ये तो। भाई अगर मेरे पास माइनक्राफ्ट लाइक अपने हिमलैंड में होता तो कितना बढ़िया होता है ना। चलो गाइस अभी एक काम करते हैं, स्मिथिंग टेबल के अंदर मुझे ना बस एक चीज करनी थी, क्या मैं अपने एरो को अपने बो को क्या मैं डायमंड के साथ कंबाइन कर सकता? नहीं कर पा रहा हूं मैं। आई थिंक दिस इज पॉसिबल, डायमंड बो, मैं उल्टा लगा रहा था। वेट अ सेकंड, डायमंड बो का मतलब क्या हो गया? क्या मैं इससे उसको मारूंगा अगर तो मरेगा? भाई तू मर जा भाई। ए वेट अ सेकंड, वो कुछ अजीब सी लाइन छोड़ के जा रहा है आगे, और लास्ट में कुछ तो हो रहा है। आई थिंक आई हैव टू गो एंड चेक दिस, बट अगर मैं काश में राम भगवान जी की तरह अच्छा धरुंधर होता तो कितना बढ़िया। तू मारेगा मेरे को वहां से, ये मुझे वहां से मार रहा है, शर्म बिल्कुल नहीं आ रही। रुको एक बार गाइस, लेट्स डू वन थिंग, वहां पे जाना पड़ेगा एक बार मेरे को। आई वांट टू सी दिस कि क्या बंदा मरा कि नहीं मरा। मेरा 5 थे, 1 2 3 4, वेट आर यू टेल ब्रो, इस डायमंड बो से डायमंड पैदा होते हैं। दिस इज टू मच, एक्चुअली में टू मच यार। व्हाट, ओ माय भाई ये तो सबसे बेस्ट होगा। रुको एक बार गाइस, मैं अब क्या करने वाला हूँ, आई मैं बहुत सारे डायमंड नीचे मारूंगा, मैं अपने बोस नीचे मारता रहूंगा, एरो नीचे मारता रहूंगा, देखते ही देखते 25 हो चुके मेरे पास भाई।
साहब तुम्हारा भाई एक और बार आज के दिन गाइस क्या करने वाला है, विदाउट एनी क्या बोलेंगे लाइक ऐसा फालतू का आर्मर बनाए बिना, तुम्हारे भाई ने सबसे पहले क्या बनाया, एक डायमंड का पूरा आर्मर बनाया। भाई साहब हाउ गुड इज दिस, हाउ गुड इज दिस। भाई साहब यार ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड हो गया भाई। रुक एक बारी गाइस, अभी आई हैव टू डू वन थिंग ओके, मैं बहुत सारे भी डायमंड्स और नीचे निकालने वाला हूँ ठीक है, और इन सारे के सारे डायमंड्स के सामने क्या करने वाला हूँ तुम लोगों को पता, मैं क्या करने वाला हूँ सारे के सारे टूल्स बनाऊंगा। इसको फेंको एंड सो सॉरी आयरन के पिकस आपको फेंकना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो। तो एक आएगा हमारा ये, एक आएगा हमारा ये, और एक ऑफ कोर्स हमारी आएगी ये। भाई साहब ब्रो यार ये बहुत अच्छी चीज है भाई, ये बहुत अच्छी चीज है। रुको मेरे को एक बार इसको उठाना पड़ेगा, इसको फेंको नीचे। अभी मैं और ऐसा क्या है जो कंबाइन कर सकता, रुक एक बार। ए मकड़े इधर आने की कोशिश ना कर, क्योंकि मैं तेरे को मारूंगा तो मारूंगा, बट साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपने लिए डायमंड्स भी निकाल सकता हूँ तुझे मार मार के। वाओ वाओ दिस इज टू ओवरपावर्ड यार। एक काम करते गाइस, मेरे पास दो फर्नेस पड़ी है ना, इन दोनों के दोनों फर्नेस को नीचे निकाल के ना एक बार खाना पका देता हूँ मैं ना। खाने का सिस्टम अपना पूरा रखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे ठीक है, जैसे खाना पक जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। Much, much, much later. Ooh, मुंह के सामने देखो हमें क्या मिला गाइस। इसके अंदर देखते क्या पता कुछ यूनिक सी लूट टाइप मिल जाए, एंड जिसके हेल्प से यू नो अपन और ज्यादा अमीर बने। मुझे अभी भी गाइस बहुत सारे अलग अलग वियर्ड वियर्ड से कॉम्बिनेशंस का ट्राई करना है भाई। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं अभी बहुत सारे ये डायमंड्स निकालने वाला ठीक है ना, और भरते रहते हैं भाई। डायमंड्स को ऐसे माइन करने में बहुत ज्यादा मजा आता है एक्चुअली में गाइस। अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो मैं इतने सारे डायमंड ऑलरेडी निकाल भी चुका हूँ भैया, है ना, मजा आ रहा है क्योंकि मैं ये सब करके। एंड अभी तो तुम्हारा भाई डायरेक्ट जाएगा अंदर, एंड भाई कृपया करके फटना मत, सारा का सारा सिस्टम निकालो नीचे का ठीक है गाइस। ये मुझे मेरे इन्वेंटरी में अभी और इसी वक्त चाहिए, क्या फेंकू मैं इसको, कॉम्प्रोमाइज में कर सकता हूँ यहाँ पे। एंड चलो भाई अब देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है मेरे को। ओ आज मुझे इसकी जरूरत है भाई, बट एक बार गोल्डन चांटे एप्पल को लेके रखते हैं, गोल्डन एप्पल को लेके रखते हैं, हु नोस क्या पता है काम आ जाए मेरे। यहाँ पर कुछ ज्यादा खास सिस्टम है नहीं, कुछ गन पाउडर्स वगैरह पड़े हुए इसका तो क्या। ओ ब्रो एक क्विक चार्ज मिला और एक मुझे मिला है इनफिनिटी। होली ब्रो आई हैव अ ब्रिलियंट प्लान, एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट प्लान है मेरे दिमाग में अभी भी गाइस। एक स्टैक डायमंड का मैं ही छोड़ के जा रहा हूँ, जिंदगी में कोई इस वर्ल्ड के अंदर गाइस कभी आएगा ना तो वो खुश हो जाएगा भाई, पूरा एक स्टैक मिलने वाला है। उसके कोई भी दोस्त उसके यकीन नहीं करने वाले कि भैया मेरे को पूरा एक स्टैक मिला है। ओफ इतना अमीर होना भी अच्छी बात नहीं होती है ना, कि पूरा का पूरा एक स्टैक डायमंड का वेस्ट हो गया और मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। चलो अभी गाइस मैं काम करने वाला हूँ, अपनी जादुई स्मिथिंग टेबल को नीचे निकाल कर I'm gonna do one thing, okay guys? But उसके लिए वेट मेरे पास वो है नहीं, एक बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन मेरे दिमाग में आया था, रुको गाइस मैं भी आता हूँ दो मिनट में। अगर तो भैया ये चीज यहाँ पर बन गई ना तो तुम लोग ये मान के चल लो ये कुछ भी बना देगा ठीक है ना गाइस। अभी मैं यहाँ पर बस इसको तोड़ूंगा पेड़ को अच्छे तरीके से, एंड आई जस्ट वांट वन। ए मिल गया, मुझे ऑलरेडी मिल चुका गाइस, मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। रुको एक बारी इसकी हेल्प से बस मैं यहाँ पर बहुत सारा ये बना देता हूँ, क्योंकि ब्लॉक्स काफी तरह काम आ सकते हैं मेरे। इसको फेंक दो ना भाई, इसकी जरूरत ही नहीं है मेरे को। आ जाओ गाइस, क्या मैं एक बुक के साथ एक सैपलिंग को जोड़ सकता हूँ, अगर ये हो गया ना भाई सभी के सभी लोग लाइक जरूर मारेंगे गाइस ठीक है ना। 1 2 3 व्हाट एन्चेंटेड ओमा भाई मेरे तो बोलती ओ शिट डूड, पानी भी उसी टाइम पे लगा भाई, या तो फिर ये इस सैपलिंग का कमाल था या तो फिर ये कुछ ज्यादा ही तगड़े वाला कोइंसिडेंस हो गया। व्हाट ब्रो यहाँ पर एक पेड़ उगा है बुक्स का, ओ समझे इसका मतलब गाइस, इसका मतलब ये कि यहाँ से हम लोग अपने लिए वो पूरा पूरा सिस्टम नो सिस्टम नहीं, यहाँ से हम लोगों को एन्चेंटेड बुक्स मिलने वाली है। ओके ये तो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर सिस्टम हो गया भाई यहाँ का। ओके एक बार एक काम करते गाइस, सारी के सारी इन बुक्स को मैं तोड़ने वाला हूँ और एक एक करके सारी के सारी बुक्स को हम लोग चेक भी करेंगे। ब्रो दिस इज सो गुड यार, ओ माय गॉड कितनी सारी एन्चेंटेड बुक्स है, मतलब एक एन्चेंटेड बुक से हम लोगों ने एन्चेंटेड बुक्स का पूरा पेड़ उगा दिया यहाँ पे। देखो भाई ये है असली चीज तो। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स दुनिया भर की बुक्स यहाँ पे आ चुके हैं, इनफैक्ट यहाँ पे दो सैपलिंग भी है यहाँ पे। ओ ये चीज यहाँ पे सैपलिंग भी गिराती है, दिस मींस हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम इसको कर सकते। ब्रो ये तो कुछ ज्यादा अजीब हो गया यार, रुके एक बारी गाइस लेट मी डू वन थिंग, मेरे को एक बार हाँ मुझे इसको उठान दो एक बारी, और यहाँ पर मैं एक यहाँ लगाऊंगा और एक मैं यहाँ पे कहीं पे लगाऊंगा
तो शायद से ये उगेंगे हमारे क्षेत्र। ओह देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे भाई साहब, मैं खुद को क्या एंचांट कर सकता हूँ भाई ब्रो। ओके देखो गाइस, फेदर फॉलिंग 3 फायर एस्पेक्ट 2 प्रोटेक्शन लगा हुआ है इस पे ना, ये मैं जूते पे लगा सकता हूँ। रुको मुझे बस अच्छी अच्छी बुक्स निकालनी पड़ेगी अपने लिए जो मेरे काम आने वाली है। यहाँ पर बहुत सारी बुक्स है, पंच 2 भी है भाई यहाँ पे है ना, थॉर्न्स 1 है, सोल स्पीड है, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, नॉक बैक है ब्रो, नाइस वन डूड। एक्चुअली में अच्छी अच्छी बुक्स तो है ये, पर मेरे को कुछ ऐसी बुक्स चाहिए ना भैया जो एक्चुअली मेरे लिए। लूटिंग 3 शार्पनेस थॉर्न्स, ये मैं लगा सकता रहा अपनी उस पे, अपनी तलवार पे मैं इसको लगा सकता रहा। इसके अलावा और क्या क्या है, ये नॉक बैक एंड शार्पनेस तो बढ़िया है मेरी तलवार के लिए, इसको मैं ऊपर निकाल के रखने वाला हूँ। उसके अलावा और ऐसी कौन सी बुक है जो मेरे काम आएगी भाई साहब, मैं ढूंढता हूँ अच्छी अच्छी बुक्स। ओके ऑल राइट गाइस, तो देखो यहाँ पे इतनी सारी बुक्स होने के बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी सैपलिंग्स गिर गए, आई डोंट थिंक सो कि मुझे जरूरत है, क्योंकि गाइस यहाँ पे ना बहुत ही अजीब अजीब वियर्ड वियर्ड कॉम्बिनेशंस वाली वो आ रही थी है ना, तो मेरे को अभी बहुत सारा आयरन लाना गया। देखो मैं अपने लिए कुछ बुक्स लेके आऊँ, प्रोटेक्शन 4 की एक बुक मिली बड़ी मुश्किल से, थॉर्न्स 3 की एक बुक मिली बड़ी मुश्किल से, फेदर फॉलिंग 4 की बुक मिली बड़ी मुश्किल से, एक प्रोटेक्शन 4 की और मिली है, और एक मिलेगा इस नॉकबैक 2 एंड शार्पनेस 5 जो कि मैं अपने स्वॉर्ड पे लगा सकता हूं। भाई बहुत मुश्किल से मिला भाई कॉम्बिनेशन, बाकी ये सारी की सारी बुक्स हमारी वेस्ट है। अभी बस गाइस मेरे को एक काम करना है जो कि नीचे जाके दोबारा से थोड़ी बहुत खुदाई करके अपने लिए बहुत सारा आयरन निकालना ताकि एनविल बना सके, बाकी तो सब सही है भाई। एंड उसके लिए गाइस मैं एकदम परफेक्ट जगह पे आ चुका हूं, एक बहुत बड़ी केव मिली है मेरे को भाई, निकालते हैं फटाफट यहाँ से आयरन एंड उसके बाद खुद को अपग्रेड करते हैं। आई एम सो मच एक्साइटेड यार सच्ची में भाई, ये फालतू की चीज को फेंको भाई यहाँ से। अरे भाई फेंको फेंको, ये सारे डायमंड किसी काम के नहीं, फालतू में रखे हुए मैंने यहाँ पे। ओके गाइस ये आया हमारा सिस्टम, ये यहाँ पर ये आएगा 1 2 3, ये यहाँ पर बनेगा, ये आएगी हमारी एनविल एंड वी हैव टू सी ओके कि मैं कौन कौन से पार्ट्स कब कब लगा सकता हूँ। तो पहले तो गाइस मेरे को इस पे लगाना है थॉर्न्स 3। ओह माय गॉड 12 लेवल जाने वाले मेरे, वेट अ सेकंड, प्रोटेक्शन 4 लगाऊंगा तो 4 जाएंगे ठीक है। प्रोटेक्शन लगाते हैं पहले भाई, प्रोटेक्शन लगा के हमारा ज्यादा बढ़िया काम होने वाला है एज कम्पेयर टू थॉर्न्स लगाने का। 4 इस पे जाएंगे, और अगर मैं हेलमेट के ऊपर, हेलमेट तो नहीं, पहले मैं जूते पे अगर मैं फेदर फॉल लगाऊंगा तो 4 जाएंगे, दिस इज नाइस। और मेरा फिर जूता रहे, ये रह गया यार भाई, मैं इस पे थॉर्न्स नहीं लगा सकता क्योंकि 12 एन्चांटमेंट मांगता भाई साहब। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं गाइस, अगर हम लोग कंप्लीट भी इसको ना भी कर पाए तभी चलेगा। क्या हम लोग इसके ऊपर नॉकबैक शार्पनेस लगा सकते हैं? नॉकबैक नहीं लगती, नॉकबैक तो सिर्फ बो पे लगती है। कोई बात नहीं गाइस, देखो हर एक चीज में एन्चांट कर नहीं पाया बट एटलीस्ट आधा हम लोग कर चुके हैं भाई, मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ इसको करने में। चलो इसके बाद अगर हमारे को लेवल्स वगैरह मिल गए तो उसके लिए काम आ जाएगा, एनविल को लेकर रखते अपने साथ। ओके गाइस, तो चलो गाइस अभी एक काम करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट बाहर निकलते, कुछ ब्लॉक्स वगैरह निकाल देता हूँ मैं ज्यादा नहीं तो। ओ गाइस मुझे मिली है कुछ शुगर केन्स वगैरह यहाँ पे, एक काम करते हैं शुगर केन्स निकालते हैं ठीक है ना, बहुत सारी शुगर केन गाइस यहाँ पे इस इलाके में, सारी निकालने वाला हूँ। और इससे भी हम लोग शायद से कुछ तो वियर्ड कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेट मी चेक। ओके उससे पहले गाइस वैसे एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत अपने लिए खाने का जुगाड़ कर लेते हैं ठीक है ना, और जैसे यहाँ पे खाने का जुगाड़ हो जाएगा अब उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। मेरे को यहाँ पर बहुत सा इसका छुटकू है इसके साथ, इसको नहीं मार सकता भाई मैं है ना। चलो गाइस आ जाओ यहाँ पे, देखो तुम लोग ये रुका पे 39 शुगर केन्स मिला मेरे को। आई एम गोना डू वन थिंग बॉयज एंड गर्ल्स, इससे ना मैं बहुत सारा पहले तो पेपर बनाने वाला हूँ ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे 9 गन पाउडर पड़ा हुआ है इसको यहाँ रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फायर रॉकेट्स आने वाले ठीक है ना। और इनफैक्ट एक काम करते 3 में और ये बनाता हूँ, इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे टोटल 27 फायर रॉकेट्स आए गाइस। हमारे पास बहुत सारे TNTs पड़े हुए, क्या हम लोग TNTs और फायर रॉकेट्स को ब्रो, आई कांट बिलीव दिस मैन, ओ माय गॉड वेट। ओके ओवरऑल 9 आए हैं, सिर्फ और सिर्फ 9, आर यू सीरियस डूड, काश 9 से ज्यादा आते तो कितना बढ़िया होता। वेट सेकंड, यो व्हाट दिस इज सो गुड यार, ओ माय गॉड नो वे डूड। ओके वैसे तो काश मैंने इसको अपनी इस डायमंड की बो के साथ यूज कर पाता तो कितना बढ़िया होता। वेट मैं क्रॉसबो के साथ यूज कर सकता हूँ इसको, मैं इसको क्रॉसबो के साथ यूज कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है एक्चुअली। मैं रुको एक बारी, ट्रिप वायर हुक कैसे बनता है एक बार मुझे वो देखने दो एक बारी। आई थिंक ट्रिप वायर हुक के लिए हमें ये सब चाहिए होता है। यस गाइस देखो 2 ट्रिप वायर हुक आ चुके हैं हमारे पास, एंड मेरे को यहाँ पे क्रॉसबो बनाना है, क्रॉसबो आई थिंक सब कुछ पड़ा है मेरे पास, सारी की सारी आइटम्स पड़ी होनी चाहिए आई थिंक सो मेरे पास सिवाय इसके। यस यहाँ पे देखो ये बनेगा हमारा एक क्रॉसबो, ओ माय गॉड प्लीज टेल मी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। नहीं ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल निकल चुका है। इसको ऑफ हैंड पकड़ना पड़ता है, वेट अ सेकंड प्लीज 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 ब्रो। ओके गाइस ओके देखो 7 है ये टोटल, अगर मैं इसको इधर मारेगा तो क्या होगा।
ये नॉर्मल वाला निकला कि फटा भी था? एक बार देखना पड़ेगा। दूर मार। ओ ये नॉर्मल है। आई थिंक इसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, इसको अपने इन्वेंटरी से फेंकना पड़ेगा मेरे को एक बारी, और अब मैं देखने वाला एक बारी। ओके ऊपर फेंक एक बार इसको। ओ यस, अपने इन्वेंटरी से अगर मैं इनको हटा दूंगा फायर रॉकेट्स को, तो ये स्पेशली इनको TNT फायरवर्क्स को कंसीडर करता और ये फाड़ता है इसको। ओ माय गॉड यार, भाई मेरे को आज माइनक्राफ्ट खेल के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा दिनों के बाद खेल रहा है जिसको। मेरे पास हमले करने के लिए ये डायमंड में फेंक सकता हूँ, क्योंकि डायमंड में कभी भी डायमंड बना सकता हूँ मैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट डायमंड में कभी भी बना सकता। तू क्या कर रहा है वहां पे, है पकौड़े तेरी ऐसी? मर गया यार, काश वाटर बकेट से मैं उसको बचा देता। खैर छोड़ो भाई साहब, हमारे पास बहुत कुछ है भाई यहाँ पे, चीजों को मारने के लिए, बंदों को मारने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है मेरे पास, और मैंने गलती से अपने ऊपर इसका इस्तेमाल कर लिया था, बच गया हूं मैं अभी। गाइस मैं तुम लोग एक बात बताता हूँ, गाइस आई एम टू मच लकी, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। क्यों? मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। ओके मेरे पास यहाँ पे ये पड़ी हुई है, पहले मैं इसको तोड़ने वाला एक बारी। भाई तुम लोग अभी देखना है फिर क्या होने वाला है भाई साहब। आज का दिन मेरा हर कुछ ही ज्यादा लकी जा रहा है। यहाँ पे देखो ये आया हमारे पास, इसको उठाएंगे यहाँ पे लगाएंगे। ब्रो चेक दिस आउट, ये पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा कम्प्लीट, एंड साथ ही साथ यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील भी है। What? यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील भी है ब्रो। Oh my God, देख रहे हो तुम लोग किस्मत क्या तगड़ी है हमारी। बाद में हम लोग यहाँ पर अभी शुगर केन्स वगैरह को रख देते हैं, हमारे पास कुछ चीजें जो कि हमारे को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जैसे कि ये नहीं चाहिए अपने को, एंड भी बहुत सारी चीजें। काम करते गाइस, अब नेदर के अंदर जा रहे हैं, तो उससे पहले मैं खाना पका देता ताकि हमारे पास थोड़ी और एक्स्ट्रा स्पेस बन जाएगा यहाँ पे, है ना, ज्यादा बढ़िया है हमारे लिए। इनफैक्ट ये लैपिस लजूली, हाँ अगर आगे चल के लेवल आ गए तो लैपिस लजूली की तो जरूरत ही नहीं है, निकल यहाँ से पकौड़े। पेस खा रहा है और कुछ नहीं कर रहा भाई, थोड़े बहुत आयरन के नगेट पड़े हुए हैं, तो इससे एक ये बना देता हूँ और इसको वापस फेंक देता हूँ, है ना भाई, सिंपल सी बात है यार। भाई साहब कितने दिनों के बाद मैं नेदर के अंदर जा रहा हूँ यार, लेजिट में गेम को बीट करने के लिए, है ना, एकदम बढ़िया अच्छी। वाओ वाओ ड्यूड्स, कितनी अच्छी जगह पर है ये। चलो इसके कोऑर्डिनेट के मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और डायरेक्ट निकलते हैं यहाँ से बाहर। ओह माय गॉड, नाइट विजन के साथ भाई, ये नेदर क्या लगता है नाइट विजन के साथ, देखो तो एक बार यहाँ पे, है ना, कितना अलग सा लाल लाल जैसा लग रहा है भाई, कुछ ज्यादा ही लाल। ओ माय गॉड भाई, इसने मुझे ऑलमोस्ट गिरा के मार देता भाई, ऐसी हरकतें मत करो यार। थैंक गॉड टू माय फेदर फॉलिंग 4, इसने मुझे बचाया भाई यहाँ पे भाई साहब, भाई डर जैसा। ओ व्हाट अ किस्मत डूड्स, व्हाट अ किस्मत। चलो पहले एक काम करते हैं, पहले यहीं पे चलते, ठीक है ना, अंदर। नेक्स्ट लेवल किस्मत है तुम्हारे भाई की, देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल मुंह के सामने, जहाँ पर मेरा ये पोर्टल है ना उसके एकदम मुंह के सामने है ये, एकदम सामने। ऑलराइट अंदर जाके बस अभी थोड़ी बहुत चोरी चकारी करते हैं और यहाँ से ट्रेडिंग करके निकलते हैं फटाफट। ऑलराइट, ओह बॉयज एंड गर्ल्स, हमारा भाई आ चुका है नीचे से। एक सेकंड रुको जरा, बहुत सारे फालतू के ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, तू आजा भाई, गोल्ड का ब्लॉक नीचे। ओह व्हाट, एक नेदरराइट कहीं गया भाई, ठीक है इसको मैं ले जाने वाला हूँ, इसको तुम्हारा भाई ले जाएगा भाई। और यहाँ पर हमारी एक और चेस्ट है, सारी की सारी चेस्टों को ऐसे खोलेंगे भाई नीचे से ना, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर अपने को। ओके यहाँ पर बहुत सारा खाने का सामान पड़ा भाई, आई एम गोना डू वन थिंग, इसको पहले मैं खा लेता हूँ एक बारी और फिर इन सारी की सारी चेस्टों को खाली करता हूँ मैं, ठीक है भाई। ये रही हमारी अगले वाली, ओ दो ब्लॉक ऑफ गोल्ड मिले, ओ माय गॉड एफिशिएंसी 2 भाई, इसको उठाओ और पुरानी वाली को रख दो, एन्चेंट करने की जरूरत ही नहीं भाई, टेंशन ही खत्म है सारी की सारी। और ये रही हमारी आखिरी वाली चेस्ट, इसके अंदर ओ एक और गोल्ड मिला, नाइस वन डूड्स। चल लूट तो हमको बहुत तगड़े वाली मिल चुके, यहाँ से बाहर निकलते हैं अब। ओके यहाँ पर एक और गोल्ड का ब्लॉक मिला मेरे को, जितना गोल्ड निकाल सकता हूँ निकालते गाइस, एंड देन चलते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। ऑल राइट अभी मेरे को यहाँ पर गेड़ा लगने वाला है क्योंकि मैंने इनके सामने इसको खोल दिया है। चल बच गया भाई, लेट्स गो। ओ व्हाट अ जिमनास्ट ब्रो, चल अभी सेट जाएंगे गाइस और यहाँ पर कहीं पर ट्रेडिंग करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ऑलराइट गाइस, बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के साथ मैंने यहाँ पर ना ये 3 बंदे लेकर आया हूँ भाई, अच्छे से ट्रेडिंग करो ठीक है भैया, ट्रेडिंग करो और मेरे को बहुत सारा सिस्टम दो, लो पकड़ो इसको। ए तेरी ऐसी की तैसी माँ, मर जाएंगे मेरे सारे बंदे, ऐसा मत करे आंटी यार। ओके बाहर ना निकल जाइयो भाई तू बस अब यहाँ से। ओके गाइस मेरे को छुपना पड़ेगा इसने, नहीं तो मेरा दिमाग खराब कर देना यहाँ पर अभी और इसी वक्त यार। लो भाई तुम लोगों को मैं दे रहा बहुत सारे, ये पकड़ो सब एक एक करके, और मुझे बस बहुत सारे वो चाहिए पर्ल्स, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए भाई, ठीक है ना, जल्दी करो। ओ बॉयज एंड गर्ल्स, ओके ठीक है, एक साइड रुको, जस्ट इन केस कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ हो गई उसके लिए बस तुम्हारा भाई एक काम करेगा, इसको मार के रख देता, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे बहुत सारी पर्ल्स मुझे ऑलरेडी दिख रही है भाई, नीचे रखो वहाँ पे। आई थिंक वो 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है वो, पूरा का पूरा एक बारी मैं वेट करने वाला हूँ, ठीक है ना, और फिर एंड में ही जाके करूंगा सिस्टम।
भाई लोग, मैंने एक बार ही जा रहा हूँ और देख रहा हूँ नीचे, ठीक है ना, एक बार ही नीचे आके देखना बनता है। बहुत देर से लेके लोग ट्रेडिंग किए जा रहे हैं मेरे साथ, आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि क्या आया होगा। 14 पद। ओके, मैंने वैसे वो लगाया हुआ तो है सिस्टम, बट स्टिल नीचे, अरे पागल है भाई ये लोग, मेरे को नीचे गिरा दे तो ऑलमोस्ट इन लोगों ने, भाई पागल हो क्या है, थोड़े से हिले हुए हो क्या तुम लोग भाई। 14 पॉल्स इज मोर देन इनफ, निकल लिया से भैया, उधर के लिए जाना हमने। चलो, ओ माई गॉड, ऑलमोस्ट धक्का दे रहे थे इन लोगों ने मेरे को यार। ला 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 ला, तुम्हारा भाई पहुंच चुका है। भाई ये फादर फॉलिंग कितना बढ़िया चीज है यार, बिल्कुल भी मेरे को डैमेज नहीं पड़ रहा भाई, इतनी ऊपर ऊपर मैं छलांगे मार मार के पहुंचो यहाँ पे। ये लेट्स गो, लेट्स गो मेरा बेटे, ब्लॉक्स निकालने पड़ेगा नीचे क्योंकि अभी हम लोग बहुत डेंजर वाली जगह पे आ चुके हैं। कालू आ गया, कालू आ गया, आ जाओ मेरे बेटे, आज मेरे को टच करके दिखा दे, मेरे को टच करके दिखा दे तू बेटा, तेरी शामत आएगी फिर, समझा, आज 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 आ जा, अरे तू आ ना, अरे तू आ ना, अरे तेरे को मैं तेरा उल्टे वाला विदर, वेट बॉयज एंड गर्ल्स, इन विदर्स बेवकूफे के ऊपर इनका विदर वाला इफेक्ट काम ही नहीं करता है। दिस इज तो रॉन्ग यार, दिस इज तो रॉन्ग यार भाई, मैं मर जाऊंगा ऐसे करके यार, मुझे इस बारे में बातें पता नहीं था। ऑल राइट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ए ब्रो आर यू सीरियस, इसको भी यहाँ तक ही विदर का वाला इफेक्ट लग चुका। आजा मार मेरे को, आजा मार मेरे को, मार मेरे को, मार मेरे को, आजा यहाँ देखो गाइस, इसको भी लगा हुआ है। ओ माय गॉड, दिस इज सो गुड यार, कोई नहीं बचेगा स्मार्टी भैया से, कोई नहीं बचेगा, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते यार, प्रोटेक्शन लगा है भाई, प्रोटेक्शन लगा हुआ है भाई, इम्पॉसिबल, मरेबल, अनमरेबल है भाई तुम्हारा, तुम्हारा भाई यहाँ पे है अनमरेबल मेरे बेटे। हाँ ये लोग मुझे मार सकते हैं इजीली, तो इन लोगों से मैं जितना भागूंगा उतना बढ़िया होगा भाई साहब, मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था यार, बच गया हूं मैं अभी कसम से। ये मेरे पीछे आ रहे, मेरे पीछे आ रहे, मेरे पीछे आ रहे, मेरे पीछे आ रहे, भाग 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 भाग। ओके 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 डूड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का, और यहाँ पे नीचे चलने का, 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 नीचे 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 इससे पहले की, और इनको यहाँ पे लत मारनी पड़ेगी। चल चल बेटे, ब्रो क्लच कर रहा है तुम्हारा भाई, अभी अभी तुम्हारा भाई क्लच के मूड में पूरे तरीके से। चलो अभी हम लोग नीचे जाएंगे गाइस, थोड़ा खाना खाते हैं, और कितने आए टोटल, 2 ब्लेज़ॉर्ड्स आ चुके हैं ना, काफी इतने। ए वेट अ सेकंड, मैं यहाँ पे कंबाइन कर सकता कुछ ना कुछ, बट मैं क्या कंबाइन कर सकते सोचना पड़ेगा। वेट, यहाँ पे दो बंदे, इनको मार कर क्या मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता, एरो मिल चुके, नाइस वन डूड। चल 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 साइड से, साइड से, साइड से, स्मार्टी स्मार्टी भैया साइड से चलो आप एक बारी, एंड यू हैव टू डू वन थिंग, ओके तू चल यहाँ से साइड में एक बारी भाई। ओ माय गॉड, मैंने बंद किया खुद को गाइस यहाँ पे अभी अभी, और अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। स्मिथिंग टेबल के साथ एक ब्लेज रॉड, और क्या मैं एरो को मिला, फायर स्टॉर्म एरोज। ओ ओके, इससे होता क्या है, वेट इससे क्या होता है, समझा नहीं मैं, इससे होता क्या है, वेट अ सेकंड, क्या मैं इसको इसके हेल्प से मार सकता हूँ भाई, प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज यार। ओके इससे तो अभी भी गाइस यहाँ पे डायमंड्स ही छूट रहे हैं, कोई बात नहीं, आई एम जस्ट गोना गो एंड टेस्ट दिस। ओके इसको मारूंगा पहले, तो तू मेरे नजदीक नहीं आएगा, तू मेरे नजदीक नहीं आएगा भाई, भागे ऐसे। आ जाओ सर जी, आ जाओ सर जी, मे बी इससे कुछ हो जाएगा फायदा मेरा, और इससे कुछ भी नहीं हो रहा फिलहाल के लिए। ओके भाग 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 भाग, इससे होता क्या है, फायर स्टॉर्म से, आई डोंट नो गाइस इससे क्या हो रहा है यार, बट छोड़ो भाई जो भी हो रहा है, हम डायरेक्ट जाके लड़ेंगे अभी इनसे, है ना। आ जा, टच करो, टच करो भाई तुम लोग, प्लीज मुझे टच करो यार, आई जस्ट वॉन्ट कि तुम लोग मुझे टच करो एक बारी, टच कर, टच कर, टच कर, शाबाश शाबाश शाबाश, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी वो हो जाने वाली है बेटा, मेरे को टच करने ही। और यहाँ पीछे ना, मेरे पीछे की एक विदर स्केलेटन आ गया भाई, ये लोगों ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है, बाकी मुझे किसी से भी डर नहीं लग रहा एक्चुअली, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, सिर्फ इन बदसूरों से मुझे डर लग रहा है यहाँ पे कसम से, सिर्फ यही है जो मेरा दिमाग खराब किया हुआ यहाँ पे तब से लेकर, कसम से। खुद मरेगा, खुद मरेगा, खुद मरेगा बेटा, तू भी खुद मरेगा, स्मार्टी पाचा को मारने की जरूरत ही नहीं है। गाइस मेरे पास 8 ब्लेज़ॉर्ड्स आ चुके हैं, मैं तो यहाँ से भाई निकल रहा हूँ, ठीक है ना भाई, मेरे को इतनी कोई लोड नहीं है पड़ी हुई, 8 से ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे बस ये समझना है कि इस फायर स्टॉर्म एरो से क्या होता है यार। ओ मे भी हो सकता है मेरे पे यहाँ पे डायमंड के इनफिनिट एरोस पड़े हैं, दैट्स व्हाई मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। ओ फायर स्टॉर्म एरो से आई थिंक कुछ ना कुछ तो होता है, आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन भाई क्या, छोड़ो गाइस अभी यहाँ से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है, टू बी ऑनेस्ट बाहर निकलने का समय आ चुका है अभी। बॉयज एंड गर्ल्स आस पास ही था, यहाँ पे नीचे लेट्स गो, चलो भैया इस जहन्नुम से बाहर निकालो मेरे को, एक लाइटनिंग है तो मार के जाऊंगा भाई यहां से, मैं दिमाग की दही हो चुकी है मेरी कसम से। ओफ चलो भाई, मेरे पास कुछ लेवल्स वगैरह भी आ चुके हैं गाइस, पहले तो इसको निकालो यहां से, ठीक है ना, कुछ लेवल्स आ चुके हैं, तो मैं आई थिंक थॉर्न्स तो मैं डाल नहीं सकता इस पे, तो मैं एटलीस्ट इसके ऊपर मैं ये भी नहीं लगा सकता हूं अभी फिलहाल के लिए, मैं कुछ भी नहीं डाल, थॉर्न्स लेवल आया नहीं, थॉर्न्स लायक लेवल यार, चलो छोड़ो भाई लास्ट में देख लेंगे इसको, ठीक है ना गाइस। अभी डायरेक्ट इसको मारते हैं, उस डायरेक्शन में जा रहा है मैं, जा रहा हूँ भाई डायरेक्ट सीधा भागते हुए
अपने ए टूट गया भाई, मेरी किस्मत खराब है बाय द वे, बट टोटल 14 है मेरे पास भाई, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। चलो फटाफट चलते गाइस एंडर ड्रैगन को। ए वेट, मेरे पास यहां पे वेट अ सेकंड बॉयज, मेरे पास यहां पे नेदरराइट का इंगिट पड़ा हुआ है। नेदरराइट के इंगिट को तो गाइस मैं एक बहुत ही स्पेशल चीज के साथ जोड़ना चाहूंगा। ओ माय गॉड, अगर वो मुझे मिलेगा, पर मिलना इम्पॉसिबल है यार, वो चीज मुझे मिलेगी नहीं ऐसे इजीली, है ना, क्या बोलते हो तुम लोग, इम्पॉसिबल है वो चीज का मिलना। 1 hour later बॉयज एंड गर्ल्स, तुम लोग यकीन करना मेरी इस बात का, मैं ना पिछले मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले गेम को बीट कर चुका होता, बट मैं इस चीज की खोज में था जो कि मुझे इसके अंदर मिली है। क्या है वो गाइस, टू गाइस हैव एनी आइडिया? ओ माय गॉड, अगर ये चीज काम कर गई ब्रो, आई एम टेलिंग यू, मैं पागल हो जाने वालों। क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ ब्रो? अगर मैं दोनों को कंबाइन कर पाया तो तुम लोगों को आइडिया भी क्या बन सकता है यहाँ पे अभी। ओके नहीं हो रहा कंबाइन। ओ माय गॉड, काश ये कंबाइन हो जाता, मैंने 1.5 घंटा वेस्ट कर दिया अपना। ए वेट, इसको उल्टा भी तो कर सकता हूँ, नहीं हो रही है। ओह वेट, क्या मैं इसके साथ कर सकता हूँ? नहीं, क्या मैं इसके साथ कर सकता हूँ? ओ माय गॉड, एन्चेंटेड नेदरराइट एप्पल बन सकता है। होली शिट, मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा और 25 मिनट 1 घंटा और 25 मिनट लगाए मैंने भाई इस बदसूरत को ढूंढने के लिए। मैंने गोल्डन एप्पल के साथ ट्राई नहीं किया इसको यार, एन्चेंटेड नेदरराइट, इसको तो मैं अभी नहीं खाऊंगा भाई। ओके आई हैव नो आइडिया कि ये क्या करता है, बट इसको मैं एंड में जाके करने वाला, जितना मुझे खबर मिली है मिस्टर फलाना जी के थ्रू। ये तो चीज है ना गाइस, ये ना जगह के हिसाब से कुछ ना कुछ करने वाला, बस मुझे ये बोला था जो सबसे आखिरी चीज होगी ना उसको तू सबसे लास्ट में यूज करियो दिमाग लगा के। ओके तो इसका इस्तेमाल तो मैं बाद में करने वाला, एक बार बाहर निकलते गाइस और मैं जा रहा हूँ सीधा एंड में भाई साहब, देखते हैं कि एंड में ये चीज क्या काम करने वाली है। ओके आई एम सो एक्साइटेड मैन, बट मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, मतलब 1.5 घंटे के अंदर मैंने खाना वगैरह खाया, थोड़ा घूमा फिरा, थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया क्योंकि मुझे एन्चेंटेड के साथ ही करना था, बट एन्चेंटेड से कुछ होता ही नहीं है, नॉर्मल गोल्डन एप्पल। छी भाई, हद है भाई ये तो। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, ये मैंने खोल दिया है, अब चलते हैं अंदर भाई बिना कोई रिस्पॉन पॉइंट सेट के। आई डोंट थिंक सो कि मैं मरने वाला हूँ, बट आई डोंट नो कि क्या काम करता है गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल। और उससे पहले गाइस चलो एक काम करते हैं, जो भी सिस्टम अपने पास है ना, जैसे ये है, इसको ऑफ हैंड में पकड़ और इसको सीधा इस्तेमाल करके सीधा ऊपर फोड़ दे। पहला वाला आई डोंट नो कि फूटा कि नहीं फूटा, बट ये फूट जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। ओके आई हैव टू थ्रो दिस थिंग अवे एंड अब फूटेगा, अभी भी नहीं फूटेगा, इसको भी फेंक आ रहा है यार। एक तो मैं ये इन्फिनिट एरोज को फेंक ही नहीं पा रहा भाई, ये गलत बात है भैया यार। चलो कोई बात नहीं गाइस, इसको करते हैं और डायरेक्ट आई थिंक मुझे खाना चाहिए, रुक एक बारी, इसको मैं यहाँ पे रखूंगा, वाटर बकेट नीचे निकाल के रखते बिकॉज हु नोज हमें जरूरत पड़ जाए। खाओ भाई, क्या होता है? व्हाट, ओ माय गॉड, जंबू स्पीड स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस गाइस, रेजिस्टेंस का मतलब पता क्या होता है? आई एम अनमरेबल ब्रो, आर यू सीरियस डूड, आर यू सीरियस डूड? ये क्या है, ड्रैगन किलर मशीन मुझे खुद ही मिला ये, मां कसम से है, होगा कैसे गाइस यहां देखो, मैं यहां पर खड़ा रह सकता हूं, जो मेरे बेटे मुझे मारेगा तू मुझे उड़ा दे तू, मैं नहीं मरने वाला भाई, मुझे इन्फिनिट रेसिस मिला हुआ है ब्रो। ये करती क्या ये, रुको एक बार इसको हटाऊंगा जरा मैं एक बार अपने हाथ से। ओके गाइस मेरे को नो आइडिया, बट ये ड्रैगन किलर जो मशीन है पता नहीं क्या करिए यार, तू जाओ ना भाई, ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं फालतू। गाइस ये सारे के सारे एरोस एक्चुअल में इसको इसके पीछे पड़े हुए हैं, ये सारे एरोस इसके पीछे पड़े हुए, देखो इसको ब्रो, ये इसको ट्रेस कर। व्हाट ब्रो, आई डोंट नो कि तुम लोगों ने देखा कि, अरे तेरी भैंस की, भाग जाए यहां से, तू मेरे पीछे पड़ा हुआ, तू मेरे को मारेगा। बॉयज एंड गर्ल्स, क्या तुम लोगों ने देखा भी क्या हुआ ये, वो सारे के सारे एरोज ने उसको वो किया है, उसका पीछा कर रहे थे गाइस। तो भाई मैं तो इन चीजों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाया, भाई हैं, मेरे को तो इसका भी इस्तेमाल करना था भाई, ये बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीज है भाई है। ये देखो ये ना एक्चुअली में ड्रैगन का पीछा कर रहे थे बाय द वे गाइस। चलो यार अब एक चीज तो मैं कर ही देता हूँ यार, अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे पास ये हेलमेट पड़ा था गाइस, मैं एटलीस्ट हेलमेट के ऊपर यार थॉर्न्स तो लगा दूं भाई, लेवल बड़ी मुश्किल से मिला। सो यार गाइस अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, दिस वाज क्रेजी यार, एन्चेंटेड नेदरराइट एप्पल तो बेस्ट था गाइस। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलता तुम लोगों से ऐसी धारणा वीडियो में गाइस, तब से ऑसम मैन, बाय ब्रो, दैट वाज एपिक।